अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गोल्ड के ट्रेडिंग का मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, फ्री है, और उसकी मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको भी आप देखें। और एक इजी स्ट्रेटजी और इजी ट्रेडिंग आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप अगर मेरी बात करें तो मैं पिछले 7-8 साल से गोल्ड पर ट्रेडिंग करता हूँ और मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस कोर्स के ज़रिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग ट्रेडिंग को समझ सके कि ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। इसमें बेसिक कोई चीज़ यूज़ नहीं होता है। अगर आप लोग बेसिक सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी 100 के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड की है अपने चैनल पे, उसको आप देखें और बेसिक सीख सकते हैं। ये एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स है और आपको इस कोर्स की मदद से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपसे हो सके तो लाइक का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये बेसिक, अगर एडवांस ट्रेडिंग की बात की जाए तो मैंने जब ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, गोल्ड के ट्रेडिंग को, तो मैंने H4 के टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया हुआ था। तो आप लोगों को H4 के टाइम फ्रेम पे मैं एडवांस ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो अगर आपने इस कोर्स को देखा तो मैं गारंटी से कहता हूँ, आपने सही तरीके से इस पर अप्लाई किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कभी गोल्ड पे ट्रैप नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो चलिए, H4 के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को ये जो सीक्रेट है, यानी ये जो कोर्स का एक सीक्रेट है, इसमें मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगा। एक है वैलिड पुल बैक और सेकंड है फिबोनाची लेवल। ये वैलिड पुल बैक किस तरह आप मालूम कर सकते हैं और फिबोनाची लेवल को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस H4 के टाइम फ्रेम से। और ये गोल्ड का रिसेंट स्विंग है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से इसको मालूम करना होगा, सबसे पहले जब से मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड को फॉलो किया था, इस जगह से देख सकते हैं, इस जगह पर मैंने बराबर इस फिबोनाची लेवल का जो लेवल है वो छोड़ दिया, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस फिबोनाची लेवल को नीचे लेकर आया, देख सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर जो लो क्रिएट किया था गोल्ड ने, 2287 का जो प्लेस था, देख रहे हैं आप लोग, इस पर मैंने बराबर यहाँ पे इस फिबोनाची लेवल को छोड़ दिया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस फिबोनाची लेवल को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर मैंने 0.61 का जो प्लेस है, जो कि ये बहुत परफेक्ट रोल अदा करता है H4 के टाइम फ्रेम पे, और 0.61 का जो प्लेस है ये रिस्क फ्री प्लेस है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्कल में लगा लेता हूँ आप लोगों के सामने है कि ये जो सर्कल है ये 0.61 का प्लेस था, और ये इसका फर्स्ट यानी रिजेक्शन पॉइंट था जहाँ से मैंने फिबोनाची लेवल को यूज़ किया। तो ये जो जब मार्केट ने यहाँ पर 0.61 का प्लेस हिट करने के बाद रिजेक्शन मारा, तो ये अडर ब्लॉक कन्फर्म हो गया, देख सकते हैं, ये अडर ब्लॉक कन्फर्म हो गया। अभी ये वैलिड अडर ब्लॉक बन गया और ये वैलिड पुल बैक बन गया, देख सकते हैं, क्योंकि इसने फॉलो किया जो ट्रेडिंग के रूल है उसको फॉलो किया और इसने वैलिड पुल बैक यहाँ पर क्रिएट किया, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को इसने डाउन ट्रेंड के लिए फॉलो कर दिया। अभी मैं इस फिबोनाची लेवल को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अभी आपने क्या करना है कि अगर आपने वैलिड पुल बैक मालूम करना है तो आपने अभी ये जगह जो देख सकते हैं, आप लोगों ने इस जगह का फिबोनाची लेवल छोड़ देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप फिबोनाची लेवल को यूज़ नहीं करेंगे, ये जगह देख सकते हैं, क्योंकि इस जगह का जो वर्क था वो कम्प्लीट हो गया और ये अभी एक्सपायर हो गया। ये जगह देख सकते हैं, ये जगह अभी एक्सपायर हो गया आप लोगों के सामने है, और ये एडवांस ट्रेडिंग है। तो अभी ये जब एक्सपायर हो गया तो अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है वो तुम्हारा ये जगह बन गया, आप देख सकते हैं। इस जगह को आपने ध्यान से देखना होगा, ये आपका की लेवल हुआ, ये आपका की लेवल हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसमें बहुत से सीक्रेट एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया, ये वैलिड पुल बैक हो गया और ये तुम्हारा की लेवल हुआ। तो फिबोनाची लेवल को अभी आपने इस जगह से लेकर नीचे डाउन साइड का जो 2287 का प्लेस था, यहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है एक परफेक्ट तरीके से बराबर। तो अभी आप लोगों ने देखना है, देख सकते हैं कि ये जो 0.61 का जो प्लेस है आप लोगों के सामने है, ये जगह देख सकते हैं, ये तुम्हारा जो 0.61 का प्लेस है, अगर ये वैलिड हो गया आप लोगों के सामने है,
तो ये यहाँ से 15 मिनट में हमको इंट्री कंफर्मेशन देगा और हम वहाँ पर प्राइस एक्शन को यूज़ करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देख सकते हैं इस जगह पर अगर हमें प्राइस एक्शन मिला और अगर ये पुल बैक वैलिड हुआ, देख सकते हैं ये पुल बैक और ये की लेवल अगर परफेक्ट हुआ और ये वैलिड हुआ तो हमें 0.61 का जो प्लेस है यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिला और 0.61 के प्लेस को अपसाइड पे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इस की लेवल तक इस ट्रेड को होल्ड कर लेना होगा, क्योंकि हमें ये फैसिलिटी देती है ट्रेडिंग के 0.61 का जो प्लेस है अगर हमें वैलिड पुल बैक से की लेवल से वो 0.61 के प्लेस पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन मिल जाता है और हमें प्राइस एक्शन वहाँ पे मिल जाता है तो हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उस एंट्री में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता है और हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है। तो ये था वैलिड पुल बैक प्लस फिबोनाची लेवल। तो ये था आप लोगों के सामने है आज का ये लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो और वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।